जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहली हार्वेस्टिंग 11 नवंबर को पत्ता गोभी की थी और इस दिन हमें पत्ता गोभी से उत्पादन मिला था 31 किलो और हमें पत्ता गोभी का भाव मिला था। 24 दिसंबर को हमें फूल गोभी का 50 रुपये किलो भाव मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 10 किलो उत्पादन हुआ था और हमारी आमदनी हुई थी 500 रुपये। इस तरह 50 रुपये किलो हमें फूल गोभी का 24 दिसंबर को मार्केट में भाव मिला था। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान में। हमने जब आपसे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूछा था कि क्या है शॉर्ट वीडियो, पहले आप यह शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। हमने आधा एकड़ में पत्ता गोभी की फसल लगाई थी, एक महीने से हमें कंटिन्यूसली पत्ता गोभी की फसल से उत्पादन मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे आधा एकड़ के खेत का विश्लेषण करें जिसमें हम आपको लागत भी बताएं, उत्पादन भी बताएं और हमें पत्ता गोभी का क्या मंडी भाव मिला और हमें कितनी आमदनी हुई, इन सभी पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस शॉर्ट वीडियो पर बहुत से किसान भाइयों ने हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बोला कि आप इस पर वीडियो बनाइए और हमें पूरी जानकारी दीजिए कि आपकी इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी खेत में कितनी लागत आई, कितनी आमदनी आई और कितना प्रॉफिट हुआ, इन सब की जानकारी हमारे साथ में शेयर करें। इसलिए आज हम आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर इस आधा एकड़ पत्ता गोभी के खेत की जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के साथ में यह भी शेयर करूंगा कि हमने पत्ता गोभी की खेती के लिए कौन सा स्प्रे शेड्यूल रखा था, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं कि हमने पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई कब की थी और इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से की। हमने जुलाई महीने में ही पत्ता गोभी की नर्सरी लगा ली थी। बारिश के मौसम में बीज की मात्रा ज्यादा लगती है ठंड के मौसम की तुलना में, इसलिए हमारे बीज की मात्रा लगी थी 15 पैकेट। एक पैकेट 10 ग्राम का रहता है। हमने बारिश के लिए सेमिनस ग्रीन वोयाजर के सीड्स का चुनाव किया था। अब सेमिनस ग्रीन वोयाजर के 10 ग्राम के सीड्स के पैकेट की कीमत 190 रुपए के आसपास रहती। इस तरह हमारा बीज का खर्चा आया था 2,850 रुपए। हम साथ साथ में खर्चा भी निकालते हुए चलते हैं तो इससे हमारा यहाँ भी आ जाएगा कि हमारी आधा एकड़ पत्ता गोभी के खेत में कितनी लागत आई थी। 40 दिन के बाद में हमारी नर्सरी तैयार हो गई थी तो हमने अगस्त के अंतिम सप्ताह में पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दिया था। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारा खर्च आया था 1200 रुपये। खेत की तैयारी हमने जून और जुलाई महीने में ही कर ली थी जिसका खर्च आया था 1500 रुपये। हमारा गोबर की खाद का खर्च नहीं आया था क्योंकि हमने 7 से 8 महीने पहले ही गोबर की खाद खेत में डलवाई हुई थी। अगर आप एक एकड़ में 7 से 8 ट्रॉली गोबर की खाद डलवाते तो आपको 1.5 साल तक गोबर की खाद डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। रोपाई के 20 दिन बाद हमने पहली बार रासायनिक खाद यूरिया दिया था 2 बैग। वह एक बैग में 40 kg यूरिया आता है जिसका प्राइस 300 रुपये। इस तरह हमारा रासायनिक खाद का खर्च आया था 600 रुपये। इसके अलावा हमने और कोई सा भी खाद पत्ता गोभी की फसल में नहीं दिया। हमारे खेत की मिट्टी पत्ता गोभी व फूल गोभी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए हमें ज़्यादा खाद की डालने की जरूरत नहीं लगती। वैसे भी अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होगी, इसलिए जितना हो सके रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करें और देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। स्प्रे का खर्च आया था 2100 रुपए। अब हमने कौन सा स्प्रे कब दिया था इस पर हम वीडियो के एंड में डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने 2 बार निंदाई गुड़ाई की थी। एक बार की निंदाई गुड़ाई तो हमारी वुल्फ गार्डन कंपनी के टूल कल्टीवेटर से हो गई थी और एक बार हमने लेबर की सहायता से कराई थी जिसका खर्च आया था 2400 रुपए। अगर आप वुल्फ गार्डन कंपनी के टूल कल्टीवेटर को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अमेजन से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे खेत से मंडी की डिस्टेंस काफी कम है इसलिए हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज मात्र 1500 रुपये आया था। हम इन पाउच के जरिए माल मंडी में भेजते हैं। इस पाउच का कुल खर्च आया था 1000 रुपये। इसके अलावा हमारा और कोई खर्च नहीं आया था। आप भी इतने कम खर्चे में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर हम इन सब खर्च को जोड़ लेते तो हमारी इस आधा एकड़ पत्ता गोभी के खेत में लागत आई थी 13150 रुपये। आप अपनी लागत को जितनी ज्यादा कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो आप जितनी ज्यादा लागत कम कर सकते हैं उतनी लागत कम करिए। हमने पहली हार्वेस्टिंग 11 नवंबर को ली थी जिसमें हमारा उत्पादन हुआ था 31 किलो व हमारे पास में 24 दिसंबर तक का डेटा है। इसके अलावा 3 से 4 दिन और पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग चलेगी जिसमें हमारा उत्पादन 2 से 3 क्विंटल और हो सकता है। यह हमारी मंडी की डायरी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 नवंबर से हमारा उत्पादन बंद गोभी का चालू हो गया था
जो कि हमारा उत्पादन हुआ था 31 किलो और जो आप साइड में देख रहे हैं 400 रुपए यह हमारी आमदनी है। और जो साइड में आपको 20 दिख रहे हैं यह किलो में है, यानी कि 11 नवंबर को 20 रुपए का भाव हमें मिला था, उसी दिन हमें 17 रुपए का भी भाव मिला था। एक ही दिन दो अलग अलग भाव हमें मिले थे। उसके बाद में हमें कितना उत्पादन हुआ और हमारा कितना भाव मिला आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारा 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक कुल कितना उत्पादन हुआ मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हमारा 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक का कुल उत्पादन हुआ 48 क्विंटल और 2 से 3 क्विंटल और उत्पादन निकल सकता है। इस तरह हमारा इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से कुल उत्पादन हुआ 48 क्विंटल। अब हम बात करते हैं कि हमारी आमदनी कितनी है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमें मंडी भाव क्या क्या मिला। मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके चलूं। हमें 11 नवंबर को 20 रुपए, 19 रुपए मंडी भाव भी मिला था और 17 रुपए भी मिला था। इसी तरह 1 दिसंबर को 15 व 19 रुपए मिला था। मैं आपको टोटल हमें क्या एवरेज भाव मिला वह बता देता हूँ। हमें पत्ता गोभी का टोटल एवरेज भाव मिला था 15 रुपए किलो। हमारा इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से उत्पादन हुआ था 48 क्विंटल व हमें 15 रुपए किलो मंडी भाव मिला है। इस तरह हमारी आमदनी हुई थी 72,810 रुपए। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आमदनी हुई थी 72,810 रुपए व लागत आई थी 13,150 रुपए। आधा एकड़ के इस पत्ता गोभी के खेत से प्रॉफिट लिया 59,660 रुपए। हमने अगस्त के एंड में पत्ता गोभी की रोपाई इस खेत में की थी और दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग खत्म हो जाएगी। इस तरह हमने हर महीने शुद्ध मुनाफा 12,000 रुपए का लिया इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत से। अब बात करते हैं कि हमने पत्ता गोभी की खेती के लिए कौन सा स्प्रे शेड्यूल लिया। हमने टोटल 3 स्प्रे किए थे। पहला स्प्रे रोपाई के 20 दिन बाद, दूसरा 40 दिन बाद और तीसरा 60 दिन बाद। चूंकि हमने बारिश के मौसम में पत्ता गोभी की फसल लगाई थी इसलिए हमने 3 स्प्रे किए। अगर आप ठंड के मौसम में लगाते हैं तो 2 स्प्रे भी सफिशिएंट है। हमने पहला स्प्रे जो किया था उसका डोज कुछ इस प्रकार से, हमने 16 लीटर स्प्रे पंप में 10 ग्राम टाटा टाकूमी इंसेक्टिसाइड प्लस 50 ml प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड लिया। टाटा टाकूमी पत्तों के अंदर की इल्ली को भी मार देती है, वह प्रोफेक्स सुपर बाहरी इल्ली व मच्छरों को मारने के लिए सफिशिएंट है। हमने मात्र सिर्फ यह 2 इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया था, इसके अलावा हमने और कोई सा फसल पर स्प्रे नहीं किया। पत्ता गोभी की खेती के साथ में हमारा फूल गोभी का भी उत्पादन साथ में ही चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें फूल गोभी का उत्पादन मिल रहा है और जो आप नई फूल गोभी देख रहे हैं यह हमने पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी और हमने वापिस से फूल गोभी के पौधों की रोपाई इस खेत में कर दी। अगर आप इस खेत का भी विश्लेषण देखना चाहते हैं इसी प्रकार का तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने पीछे जो खेत है आप जो खेत देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी तीनों फसलें लगा रखी। 2 और अन्य खेत में हमने फूल गोभी की फसल लगा रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को फूल गोभी का हमें 50 रुपये केजी मंडी भाव मिला था जो कि इस सीजन का अभी तक का सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही 24 दिसंबर को हमारी कुल कितनी आमदनी हुई वह भी आप देख सकते हैं। तो यह था हमारा इस आधा एकड़ के पत्ता गोभी के खेत का संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें हमने 59,660 रुपये का शुद्ध मुनाफा लिया 5 महीनों से भी कम समय में। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पत्ता गोभी की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।